Yes, come on. नमस्कार, मेरा नाम पायल तिवारी है। ये जो फिल्म आपने अभी अभी देखी, ये हमारी स्टडी के ऊपर आधारित है और आपने सारे इंटरव्यूज देखे, लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगी कि इंटरव्यूज हमने कैसे किए और हम कौन कौन से स्लम्स में गए ये करने के लिए। काफी संवेदनशील टॉपिक है और इसके लिए हम ज्यादा से ज्यादा औरतों तक पहुँचना चाहते थे और विभिन्न तरह की औरतों के पास पहुँचना चाहते थे। औरतें जो अपने अनुभव ज्यादा शेयर कर सके और अलग अलग अनुभव शेयर कर सके, इसके लिए हमने सबसे पहले एक मैट्रिक्स बनाया, एक टेबल बनाई, जिसमें हमने वो सारे स्लम्स लिखे जो बीएमसी की खुद की स्टडी के हिसाब से सबसे खराब स्थिति में है। हमने एक लिस्ट बनाई जिसमें हमने वो सारे स्लम्स लिखे जो अलग अलग लैंड में है, जैसे कि स्टेट गवर्नमेंट का लैंड, रेलवेज का लैंड, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया का लैंड, ऐसे अलग अलग स्लम्स हमने कवर करने की कोशिश की। उसके बाद हमने देखा कि वहाँ पे एसएसपी टॉयलेट, म्हाड़ा टॉयलेट या बीएमसी की किसी और स्कीम के अंतर्गत जो टॉयलेट्स हैं, हमने वो कवर करने की पूरी पूरी कोशिश की। और हमने एक और बहुत यूनिक फैक्टर देखने की कोशिश की कि कोई लोकेशन जो टॉयलेट है वो बहुत ज़रूरी होता है औरतों के सम्मान, उनकी सुरक्षा, उनके सेफ्टी के लिए, क्योंकि ऐसे कुछ टॉयलेट्स हैं जो मेन रोड पे बने हुए हैं और जब औरतें वहाँ डब्बा लेके जाती हैं तो काफ़ी छेड़छाड़ होती है। कुछ ऐसे टॉयलेट्स हैं जो जैसे कि हम टोपोग्राफी कहते हैं, तो उनका टोपोग्राफी अलग है, जैसे वो थोड़े ऊपर है या थोड़े नीचे इलाकों में बने हैं, तो हमने ऐसे टॉयलेट्स को लेना भी ध्यान में रखा। तो इसीलिए ये सारा जब हमने देखा, पूरा लिस्ट बनाया, तो हम इस टेबल पे पहुँचे। हम सबसे पहले गए बैंगनबाड़ी मानपुर। हम इसलिए गए यहाँ पे क्योंकि यहाँ पे सबसे ज़्यादा मुस्लिम महिलाएँ रहती हैं। ये कलेक्टर्स लैंड के ऊपर बना हुआ एक स्लम है और हमने यहाँ पे एसएसपी टॉयलेट का सर्वे किया और दूसरी गली में म्हाड़ा का एक टॉयलेट है, हमने उसका सर्वे किया। इस टॉयलेट के बाद हम गए खेरवाड़ी, संजय गांधी नगर, जो बांद्रा ईस्ट में है। खेरवाड़ी हम इसलिए गए क्योंकि यहाँ पे म्हाड़ा का एक टॉयलेट है जो पिछले 20 साल से बंद है और हम देखना चाहते थे कि वहाँ पे सिर्फ एक जो एसएसपी का टॉयलेट है वहाँ पे कितनी भीड़ रहती है सुबह और औरतों को क्या परेशानी होती है जब वो सिर्फ उस एक टॉयलेट में जाती हैं। उसके बाद हम बाहर निकले और खेरवाड़ी के बाहर संजय गांधी नगर है, हम वहाँ भी गए और हमने वहाँ म्हाड़ा का जो टॉयलेट है उसका सर्वे किया। यहाँ हमें बहुत अलग प्रकार की औरतें मिली, हमें खतीक समाज की औरतें मिली, हमें मध्य प्रदेश से आई हुई औरतें मिली और महाराष्ट्र के अन्य हिस्सों से आई हुई औरतें मिली। हमने इनका इंटरव्यू किया। इसके बाद हम जयशंकर माता नगर गए। आपने फिल्म में देखा होगा कि एक ऐसा टॉयलेट है जो फूटा हुआ है, जिसमें चूहे ऊपर निकल के आते हैं, जो वो प्रॉब्लम है वो यहाँ है कि एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की जमीन से बना हुआ एक स्लम है जहाँ पे एक तरफ बीएमसी का टॉयलेट है और एक तरफ म्हाड़ा का टॉयलेट है। हमने इसका सर्वे किया और यहाँ हमें उत्तर प्रदेश की औरतों से बात करने का मौका मिला, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और महाराष्ट्र की औरतों को हमने कवर किया। इसके बाद हम गए पंचशील नगर बडाला। हम पंचशील नगर इसलिए गए क्योंकि यहाँ पे बहुत यूनिक अनोखी परेशानी है। जो टॉयलेट है वो सिर्फ एक है, म्हाड़ा का टॉयलेट है नहीं, चलता नहीं है, है। और एसएसपी के टॉयलेट में सारे जाते हैं। यहाँ पे आसपास 5 बस्तियाँ हैं और सिर्फ एक टॉयलेट है और ये जो टॉयलेट है ये हाईवे के इस तरफ और उस तरफ बसा हुआ है। तो इस टॉयलेट में जाने में क्या परेशानी होती है कि ये हाईवे है और यहाँ पे पूरे दिन ट्रक फुल स्पीड में चलते रहते हैं, तो जब औरतें जाती हैं टॉयलेट अपना डब्बा लेके तो वहाँ काफ़ी एक्सीडेंट्स होते हैं। जिस महीने हमने सर्वे किया वहाँ पे 3 एक्सीडेंट्स उसी महीने हुए थे और यहाँ पे हमने महाराष्ट्र की जो औरतें थी वहाँ से उनसे ज़्यादातर हमने बात की। उसके बाद हम गए एंटॉप हिल बडाला। यहाँ हम इसलिए गए क्योंकि ये थोड़े ऊँचे एरिया में है और पानी की दिक्कतें यहाँ काफ़ी ज़्यादा हैं या पानी की परेशानी और है, तो हमने यहाँ इंटरव्यू लेने की कोशिश की उन औरतों से जो ये पानी की दिक्कत से काफ़ी पीड़ित हैं। यहाँ एक एसएसपी का टॉयलेट है और यहाँ पे मुस्लिम महिलाएं काफ़ी हैं। इसके बाद हम एक स्लम में गए अम्बुजवाड़ी, जो कि मालवनी मलाड में एक स्लम है। ये एक ऐसा स्लम है जो काफ़ी बड़ा है, यहाँ पे 4 टॉयलेट हैं, लेकिन जो एरिया हमने कवर किया है शिव शंकर नगर, यहाँ पे टॉयलेट ही नहीं है। तो बाकी सारे इलाकों में जबकि हम देख रहे थे कि सारे की सारी परेशानियाँ हो रही हैं, यहाँ पे टॉयलेट ही नहीं है तो औरतों को एकदम अलग तरीके की परेशानियाँ हैं। हमने यहाँ पे देखा कि औरतों ने एक साड़ी बना रखी है जिससे कि वो आज टॉयलेट इस्तेमाल करती हैं और फिर अगले दिन वो साड़ी को धोया जाता है। डिफेंस लैंड में बना हुआ है और उसमें माइग्रेंट पॉपुलेशन काफ़ी ज़्यादा है। इसके बाद हम गए निर्मल नगर खार। निर्मल नगर में हम रेलवे कॉलोनी में गए।
ये यहाँ पे महड़ा का एक टॉयलेट है और यहाँ पे भी माइग्रेंट पॉपुलेशन काफी ज्यादा है। मैं मेंशन करना चाहूंगी कि ये जो सर्वे है हमने टीपीएम के वॉलंटियर्स के साथ किया और सुनीता ताई यहाँ पे मौजूद है। सुनीता ताई और बाकी अन्य वॉलंटियर्स और हम लोग ने जाके ये इंटरव्यूज किए हैं। डिमांड और गैप का डेफिसिट है, इसको भरना बहुत जरूरी है अगर हम चाहें
चाहते हैं कि लोगों को बाहर ना बैठना पड़े, उनको टॉयलेट में जाना चाहिए। हमने ये भी देखा कि जो टॉयलेट्स हैं वो कुछ कुछ महाड़ा के द्वारा बनाए जाते हैं, कुछ बीएमसी की काफ़ी स्कीम्स होती हैं, जैसे कि एसएसपी है या ऐसे अंतर्गत जितनी स्कीम्स होती हैं उसके अंतर्गत बनाए जाते हैं। तो इससे पहले भी कुछ फैसिलिटीज़ प्रोवाइड होती हैं और किसी टॉयलेट में कुछ फैसिलिटीज़ होती हैं, जैसे कि महाड़ा में पानी और लाइट का प्रोविजन नहीं है कंपल्सरी, और एसएसपी में होता है, केयर टेकर हर जगह नहीं होते हैं। तो अगर हम एक सिंगल एपेक्स लेवल क्रिएट करें अथॉरिटी, सिर्फ मुंबई सैनिटेशन अथॉरिटी कह सकते हैं, जो ये सारे के सारे एक जैसे समान टॉयलेट्स बनाएं और इन टॉयलेट्स का मॉनिटरिंग करें, तो ये जो दिक्कत है ये काफ़ी कम हो सकती है। हमने अपने स्टडी में ये भी देखा कि जो कुछ कुछ टॉयलेट्स हैं जैसे अंबुजवाड़ी, वहाँ पे टॉयलेट नहीं बनाया जाता है क्योंकि उनको कहा जाता है कि आप लोग ये इलीगल स्लम है तो इसीलिए हम अभी टॉयलेट नहीं बना सकते, लेकिन वोट जब मांगना आता है तब वो उनको लीगल करार दे दिया जाता है। तो भले कोई स्लम लीगल हो या इलीगल हो, वहाँ पे टॉयलेट अवश्य होना चाहिए। जब हम सैनिटेशन की बात करते हैं तो कम्युनिटी में एजुकेशन औरतों की सेफ्टी और डिग्निटी के बारे में बहुत मास लेवल में होनी चाहिए, और उस बस्ती के लोगों को एजुकेट करना चाहिए कि औरतों को क्या क्या परेशानी होती है जब वो टॉयलेट जाती हैं, और उनके आत्मसम्मान में क्या क्या परेशानियाँ आ सकती हैं। हमने एक और चीज़ देखी कि जो टॉयलेट का कंस्ट्रक्शन है, जिस लैंड में, जिस लोकेशन में वो बनाया जा रहा है, वो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कभी कभी जो टॉयलेट्स होते हैं वो स्लम के अंदर नहीं बनते क्योंकि स्पेस कॉन्स्ट्रेंट होता है, तो वो स्लम के बाहर बनते हैं। इससे क्या दिक्कत आती है कि वहाँ पे वो मेन रोड के पास होते हैं और बस्ती के आदमी नहीं, लेकिन बाहर के जो आदमी होते हैं उनके द्वारा बहुत छेड़छाड़ होती है, उनके द्वारा बहुत कमेंटिंग होती है। इसलिए ये चीज़ में हम लोगों को बहुत सेंसिटिवली सोचना है कि टॉयलेट का लोकेशन एक औरत का सेफ्टी और डिग्निटी जो है वो बहुत ज़्यादा मैटर करता है कि टॉयलेट का लोकेशन क्या है, तो उस चीज़ में हमें ध्यान देना है। जो टॉयलेट मॉडल्स हैं वो काफ़ी इनोवेटिव तरीके से हमें सोचने हैं कि कुछ स्लम्स ऐसे हैं जहाँ पे बिल्कुल जगह नहीं है घर के अंदर टॉयलेट देने की, और कुछ स्लम्स हैं जहाँ पे हैं, तो अगर काफ़ी टेक्नोलॉजीज हैं अभी जहाँ पे कम स्पेस में भी टॉयलेट दिया जा सकता है, तो ऐसे जो टेक्नोलॉजीज हैं उनको भी हमें देखना है जब हम सैनिटेशन प्रोवाइड कर रहे हैं सबके लिए। हमने अपनी स्टडी में एक और चीज़ देखी कि जो सबसे ज़्यादा नेग्लेक्टेड ग्रुप है वो अफकोर्स महिलाएं हैं, और महिलाओं के बाद बच्चे हैं, क्योंकि चिल्ड्रन स्पॉटिंग एरिया कहीं पर है ही नहीं, बच्चों को ज़्यादातर बाहर ही बिठाया जाता है। तो हमारे पूरे सर्वे में सिर्फ एक टॉयलेट था जहाँ पे चिल्ड्रन स्पॉटिंग एरिया था, लेकिन वो टॉयलेट भी केयर टेकर अपनी पर्सनल यूज़ कर रहा था, पर्सनल चीज़ के लिए। तो हमें ये चीज़ें समझनी पड़ेंगी कि बच्चे ज़्यादा देर तक रोक नहीं सकते, और जब वो लाइन में खड़े होते हैं तो उन्हें बहुत बार भगा दिया जाता है, तो इसीलिए एक सेपरेट चिल्ड्रन स्पॉटिंग एरिया देना बहुत ज़रूरी है, और इस हम ये बहुत स्ट्रांगली रेकमेंड करते हैं। इसके अलावा जो टॉयलेट का डिज़ाइन है, एंट्रेंस का डिज़ाइन, ये इस चीज़ को भी हमें बहुत सेंसिटिवली देखना है, क्योंकि जो एंट्रेंस होता है ये हमेशा आदमी और औरत का आसपास होता है। काफ़ी टॉयलेट्स में हमने देखा कि सेम जगह उन लोगों को लाइन लगानी पड़ती है, तो सुबह 6 से 8 के टाइम पे जब सबसे ज़्यादा रश आवर्स होते हैं तो औरतों और आदमियों को एक साथ क्यू करना पड़ता है, वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा छेड़छाड़ होता है, औरतों को काफ़ी अच्छी चीज़ें देखनी पड़ती हैं जो नहीं देखना चाहती, जो उनको अच्छा महसूस नहीं कराती, और इसलिए हमें टॉयलेट का जो डिज़ाइन है, एंट्रेंस डिज़ाइन, उसको भी देखना है। इसके अलावा जब भी हम सैनिटेशन की बात करें तो हमें कंपल्सरी मेंस्ट्रुअल हाइजीन के बारे में बात करनी है। मेंस्ट्रुअल हाइजीन का अवेयरनेस आजकल लड़कियों में इतना ज़्यादा नहीं है अभी भी, और सेफ डिस्पोजल ऑफ सैनिटरी नैपकिन से लेके कहाँ कहाँ कैसे डिस्पोज कर सकते हैं, इस बारे में भी लड़कियों से कंपल्सरी ट्रेनिंग और अवेयरनेस सेशंस कर रहे हैं। इसके अलावा हमने ये भी देखा कि टॉयलेट के बाहर जब सुबह लाइन लगती है तो कुछ समय होता है जब बहुत ज़्यादा लाइन रहती है, और आफ्टरनून दोपहर के टाइम में इतना रश नहीं रहता है, तो ये जो लाइन है ये बहुत ख़राब तरीके से रहती है क्योंकि डिज़ाइन उस चीज़ को सपोर्ट नहीं करता है, इसकी वजह से औरतों में आपस में काफ़ी कॉन्फ्लिक्ट होती है, काफ़ी लड़ाइयाँ होती हैं। तो अगर हमें ये वाला जो बेटर डिज़ाइन फॉर क्यूइंग है हम इसको भी ध्यान दें तो ये सैनिटेशन काफ़ी होलिस्टिक हो सकता है। थैंक यू।